आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और मैं अपने भी वज़रा और असद कैसर आपको इस चीज़ की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और ये पीपल टू पीपल, बिजनेस टू बिजनेस, ये जो आपने ये ऑर्गेनाइज करवाया, मैं आपको फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानियों को भी और अफ़गानिस्तान से भी हमारे जो मेहमान आए हैं उनको एक चीज़ का आगाह करवाना चाहता हूँ इस चीज़ से कि हमारे कनेक्शंस इस खित्ते के कनेक्शंस अफ़गानिस्तान से सदियों से हैं। अफ़गानिस्तान मुग़ल एम्पायर का हिस्सा था तकरीबन 200 साल तक। काबुल, कंदहार, ये सब जो मुग़लों की बादशाहत थी तो ये इसका हिस्सा था। फिर जो मौजूदा पंजाब है और पख्तूनख्वा है ये कोई तकरीबन 60-70 साल अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहा, दुरानी एम्पायर का हिस्सा रहा। और यहाँ जो हमारा कबायली इलाका था, अफ़गानिस्तान से जो पविंदे थे, ये कबीले थे जो कि तजारत करते थे, ये सदियों से निकलते थे अफ़गानिस्तान से कबायली इलाके से होते हुए ये कलकत्ते तक जाते थे तजारत करने के लिए। और ये जब तक अफ़गान वॉर शुरू हुई, ये जो अफ़गान जहाद, तब तक ये पविंदा जो तजारत करने वाले जिनको नोमैड्स कहते थे, ये अफ़गानिस्तान से चीज़ें लेके आते थे हिंदुस्तान तक, और हिंदुस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान तक, और फिर हिंदुस्तान से सारा माल वापस लेके जाते थे। तो ये बड़ी कनेक्टेड है ये इलाका एक दूसरों से, और ये हमारी तारीख है। जब यहाँ मुग़ल हुकूमत करते थे और उससे पहले जो सल्तनत थी दिल्ली की, तो जो ज़बान बोली जाती थी कोर्ट के अंदर दरबार में वो फ़ारसी बोली जाती थी, जो कि अफ़गानिस्तान के भी ऑफिशियल, हालांकि पश्तो भी है लेकिन फारसी बोली जाती है। तो ये कनेक्शन बड़ा पुराना है। हमारी बड़ी बदकिस्मती के जो हुआ है और अफ़गानिस्तान के अंदर जो ट्रेजेडी हुई, 40 साल से इंतशार है अफ़गानिस्तान में, और इसका जो जिस मुल्क को अफ़गानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान इस इंतशार से हुआ है वो पाकिस्तान है। और ख़ास तौर पे ये जो पिछले 18 साल से जो वॉर ऑन टेरर के नाम पे जो ये जंग हुई, अफ़गानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ इसका। और फिर हमारे में इख्तलाफ पैदा हो गए, शक और शुबहात पैदा हो गए, और कई अभी भी हमारे मैं देखता हूँ कि अभी भी फंसे हुए हों पुराने दौर के अंदर। देखें, माजी जो होता है, माजी एक इंसान या एक कौम के लिए सिर्फ एक मकसद है इसका। इंसान माजी से सीखता है, माजी में रहता नहीं है। जो इंसान माजी में फंस जाता है वो आगे नहीं जा सकता। तो हमारे अब वक्त आ गया है कि हम रियलाइज़ करें कि माजी में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या सबक है। जो सबक माजी आपको सबसे ज़्यादा, जब आप तारीख को पढ़ते हैं तो वो आपको सिखाता है आपकी गलतियां, आपकी कमज़ोरियां, आपकी ताकत। तो हमने, पाकिस्तान ने तो ये माजी से सीखा है कि अफ़गानिस्तान की तारीख है कि कोई भी बाहर से, और बड़ी पुरानी तारीख है, अंग्रेज़ों के ज़माने की तारीख है, कि बाहर से अफ़गानिस्तान में कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अफ़गानिस्तान के लोग अपने फ़ैसले करते हैं, उनकी वो बाहर से इंटरफेरेंस कभी कामयाब होती नहीं है अफ़गानिस्तान में। तो पाकिस्तान का तो हमने जो सीखा वो ये है
कि जो भी अफगानिस्तान के लोग चाहें, जैसी हुकूमत वो चाहें, जिसको वो मुंतखब करना चाहें, ये अफगानिस्तान के लोगों का फैसला है। और पाकिस्तान जो भी अफगानिस्तान की हुकूमत होगी उसके साथ काम करेगा, उसके साथ पूरी अपनी रिलेशनशिप मजबूत रखेगा। और कोई ये जो माजी में हमें एक बहुत बड़ा खैर अभी भी है कि हमारा जो एक हमसाया हिंदुस्तान सात गुना बड़ा मुल्क है, तीन जंगें हो चुकी हैं उससे, और मौजूदा जो हिंदुस्तान की हुकूमत है 72 सालों में कभी भी इतनी मुसलमानों से नफरत करने वाली हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं आई। ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो आरएसएस है, आरएसएस आप उसकी तारीख पढ़ लें, वो तो चाहते थे कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को एथनिकली क्लेंस कर दिया जाए। तो हमने बड़ी कोशिश की उनसे दोस्ती करने की। मैं हिंदुस्तान को सबसे अच्छा जानता हूँ, क्रिकेट की वजह से मेरे ताल्लुकात दोस्तियाँ थी वहाँ, तो मैंने शुरू में बड़ी कोशिश की, लेकिन मैंने एकदम एक वक्त मुझे समझ आ गई कि यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो नज़रियाती तौर पे हमारे ख़िलाफ़ हैं। और इंशाल्लाह कोशिश फिर भी करते रहेंगे, लेकिन ये समझने की बात है कि जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है ये कभी पहले हिंदुस्तान की तारीख में नहीं हुआ, जो मुसलमानों से आज हिंदुस्तान से में हो रहा है, जो कश्मीर के लोगों से हो रहा है। 80 लाख लोगों को एक तकरीबन एक ओपन जेल में रखा हुआ है। तो एक है खदशा पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा अफगानिस्तान को हमारे ऊपर इंतशार फैलाना, हमारे मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन यहाँ हमने फैसला कर लिया, जो भी अफगानिस्तान के लोग चाहेंगे हम उनको बैक करेंगे, हम उनसे ताल्लुकात अच्छे करेंगे, क्योंकि फ्यूचर इस सारे खत्ते का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप, कोऑपरेशन, तजारत में है। और ये जो 40 साल अफगानिस्तान में इंतशार हुआ और हमारे ये सारे कबायली इलाका जो बॉर्डर कर रहा था अफगानिस्तान के साथ, इधर जो तबाही मची, इसका हल ही सिर्फ एक है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, तजारत हो, और तजारत से ये सारे इलाके के अंदर फिर से खुशहाली आ सकती है, लोगों को रोज़गार मिल सकता है। असद कैसर साहब और स्पीकर रहमानी साहब ने भी बात की तजारत की। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम अब पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हम अपने मुल्क में हमने फैसला किया है कि वेल्थ क्रिएशन के ऊपर हमने सबसे ज़्यादा जोर देना है। हमने अपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना है, हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को उठाना है, हमने अपनी सारी पॉलिसीज ऐसी बनानी है कि हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो, वेल्थ क्रिएशन हो, और वो तब होगा तजारत से, और वो तब होगा इंडस्ट्रियलाइज होके। और इसलिए हम टॉप प्रायोरिटी हमारी अपने मुल्क के अंदर ये है कि हम अपने मुल्क में तजारत को फरोख्त करें, और अफगानिस्तान हमारा नेचुरल पार्टनर है। हम पूरी अब कोशिश कर रहे हैं, हमने पूरी अपनी ये कॉमर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इनको हमने पूरा कहा हुआ है कि अफगानिस्तान से अपने सारी हर किस्म की अपने जो आपके चैम्बर्स आए हुए हैं उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाएं, किस तरह के हम बेनिफिट कर सकते हैं एक दूसरे को, कौन सी तजारत कर सकते हैं। और ये इससे जैसे जैसे अफगानिस्तान में अमन आता जाएगा, अफगानिस्तान के तो लोगों तो को तो फ़ायदा होगा, उसके बाद पाकिस्तान के लोगों को और ख़ास तौर पे हमारे जो पख्तूनख्वा का सूबा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस इलाके को होगा जो मुतासर भी वॉर ऑन टेरर में सबसे ज़्यादा हुआ। मैं स्पीकर रहमानी साहब, आपने कहा कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, आप यकीन करें कि जो आज पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन हो, कोई और मुल्क इतना कोशिश नहीं कर रहा पाकिस्तान जितनी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल ये है कि अफगानिस्तान में अब अमन हो, ताकि इस सारा इलाका सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी हो, तजारत खुले। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी हुकूमत जब से आई है हमारी सारी कॉन्सनट्रेशन ये है कि किसी ना किसी तरह तालिबान, पहले अमरीकनों से हमने बातचीत करवाने में पूरा जोर लगाया, उसके बाद अफगान गवर्नमेंट के साथ,
और आज भी हमारी पूरी कोशिश यह है कि ये वायलेंस कम हो, और ये बड़ा तकलीफ़ होती है हमें देख के कि जो जो जिस तरह का अभी भी ये जो अफ़गानिस्तान में नुकसान हो रहा है, जो हर रोज़ लोग शहीद होते हैं, हम अभी भी देख के हमें तकलीफ़ होती है। हम यकीन आपको दिला रहा हूँ कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारी फौज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह अफ़गानिस्तान में वायलेंस कम हो, सीज़ फायर हो और अमन आए। मैं फिर से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी को खुशामदीद कहता हूँ, अफ़गानिस्तान से जो आए हैं, मैं स्पीकर साहब आपको और आपके डेलीगेशन को, रहमानी साहब, उन सबको पाकिस्तान में खुशामदीद कहता हूँ। और मेरी एक ख्वाब है कि ये प्रोग्रेस जब होता रहेगा, हमारे ताल्लुकात अच्छे, तो हमारे भी ओपन बॉर्डर्स होंगे, जिस तरह के यूरोपियन यूनियन के अंदर तजारत के लिए ओपन बॉर्डर्स हैं और सारे यूरोप में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर गई जब तजारत बढ़ती है, तो इंशाल्लाह हम एक दिन अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी भी उस तरह की रिलेशनशिप हो। बहुत बहुत शुक्रिया। पाक अफगान तजारती सरमायाकारी फोरम 2020 सेमिनार से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान और अफगानी आवाम को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि हमारा कनेक्शन बहुत पुराना है। बदकिस्मती से अफगानिस्तान में 40 साल से इंतशार जारी है, और अफगानिस्तान के बाद जिस मुल्क को इस इंतशार का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो मुल्क पाकिस्तान है, जिसके बायस बहुत से इख्तलाफात ने भी जन्म लिया। लेकिन अब वक्त है कि माजी को भुलाकर नए रवाबित कायम किए जाए, नए दौर का आगाज़ किया जाए। जबकि हिंदुस्तान का जिक्र भी किया और कहा कि जो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के हुकूक सलब किए जा रहे हैं, ऐसा पिछले 72 साल में कभी नहीं किया गया, और हमें ये खदशा भी लाहक है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद ये फ़ैसला किया गया है कि अफगानिस्तान के आवाम जो भी फ़ैसला करेंगे, हम उसको सेकंड करेंगे।